मरहूम मुश्ताक मर्चेंट को, जो कि 70-80 के बहुत ही अच्छे कैरेक्टर एक्टर थे, कॉमेडियन थे, और उनका 27 दिसंबर मंडे 2021 को घर में गिरने की वजह से इंतकाल हुआ। और मरहूम को जब हॉस्पिटल लिए जाया जा रहा था तो रास्ते में उनका इंतकाल हुआ। मरहूम के पीछे उनकी बेवा, दो बेटी एक बेटा है। और मरहूम ने बहुत ही मशहूर और लीडिंग फिल्म में काम किया था, जिसमें से सीता और गीता है, बुलंदी है, 50-50 है, कस्मे वादे हैं, शोले है और सागर। और हाल फिलहाल आखिरी 10-15 सालों में मरहूम अपने तौर पे सामाजिक कार्यक्रम कर रहे थे और साथ ही अपने मजहब के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो हम मरहूम के फराज-ए-अकीदत में दुआ करते हैं कि इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब हो। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अनकरीब 97 लाख टीचर है और हिंदुस्तान में अनकरीब 15 लाख स्कूल्स है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्कूल एज वेल एज प्राइवेट स्कूल, अनएडेड एंड एडेड स्कूल। तो इनकलाब जो लीडिंग न्यूज़पेपर है उर्दू का, 28 दिसंबर ट्यूसडे 2021, उसमें एक आर्टिकल है पेज नंबर 2 में, जिसमें बताया गया है कि जब से ये स्कूल का जो इफ्तिताह हुआ है, कोविड के जो ये केसेस जरा कम हुए थे उसके बाद जो स्कूल का इफ्तिताह हुआ है, तो उस दिन से गवर्नमेंट एक एडिशनल लोड दे रही है टीचर्स को कि आप जो स्टूडेंट्स है, उनके जो पेरेंट्स है या उनके जो सरप्रस्त है, उनसे जानकारी लीजिए कि उनकी फैमिली में कितने लोग रह रहे हैं, कितनों ने कोविड का एक टीका लिया है, कितनों ने दो टीका लिया है, कितनों ने टीका ही नहीं लिया है। तो ये सारी जानकारी हमको मुहैया करो। तो इसके तहत जो ये टीचर्स है, जो कि अपना दिमाग खपाते हैं बच्चों के पीछे, जिसमें से कुछ बच्चे भी मिलते हैं जिनको सारी स्टडी बाउंसर जाती है, सर के ऊपर से जाती है, तो ये टीचरों के साथ शायद एक एडिशनल लोड हो रहा है, एडिशनल जिम्मेदारी दी जा रही है। तो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त माया नाथ, सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, वलीउर रहमान सिद्दीकी साहब। तो मैं उनसे इस बारे में ज्यादा जानकारी लेके आपको बयान करता हूँ। सिद्दीकी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये आर्टिकल आया है इनकलाब में 28 दिसंबर ट्यूजडे 2021 को, तो ये जो इस मुताबिक आप क्या कहना चाहते हैं, जो टीचरों को गवर्नमेंट की तरफ से एक एडिशनल लोड मिला है? भाई, इसमें बच्चों के ऊपर जो है पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना करके, बल्कि जो है ये नई चीज डाल दिए। अभी स्कूल खुल के 15 दिन हुआ है, अब टीचर जो है अभी सिलेबस कुछ दिखाए नहीं बच्चों को, और ये गवर्नमेंट के स्टाफ लाके जो स्किल दे के गए हैं उनको, टीचर को, अब उसकी ड्यूटी में लग गए हैं, पढ़ाई तो दूर हो गई। दूसरी चीज, बच्चे जाके अपने अपने घर पे माँ बाप से कहते हैं मोबाइल है नहीं है, क्या है, वो कैसे क्या करें। परेशानी ये है कि उनको जवाब देना भी मुश्किल है, क्योंकि ये सब डिटेल जेंट्स के पास रहते हैं, औरतों के पास बहुत कम रहते हैं, तो इसलिए औरतें भी परेशान होती हैं। और टीचर जो उनका सवाल होता है वो पूरा नहीं हो पाता, फिर वो अपने माँ बाप को फोन करते हैं बाहर ड्यूटी पे, वो वहाँ डिस्टर्ब होते हैं। अब पढ़ाई क्या, तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान ना दे के, पूरे लॉकडाउन में तो पढ़ाई खराब हुई है, इधर ध्यान ना दे के नया काम दे दिए। अब ये क्या मालूम, ये चीज समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है और सिर्फ उर्दू स्कूल की तरफ से शिकायतें मिल रही है। नहीं, मैंने भी पूरा आर्टिकल पढ़ा इंकलाब का, तो उसमें मैंने जो पढ़ा उसमें मुझे भी ऐसा लगा है कि शायद ये जो टीचर्स है इनके साथ जुल्म हो रहा है, जो कि वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे लॉकडाउन के दरमियान में, और महज स्कूल खुली है। तो क्या गवर्नमेंट ने स्कूल इसीलिए खोली है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स और सरप्रस्त से दस्तियाब करे? नजर में तो यही आ रहा है कि खाली टीचर को जो है एडिशनल काम देके घुमाओ और परेशान करो, पढ़ाई ना होए इसी सब में घूमते रहे, फिर उसके बाद बच्चों की करियर खराब होते हैं इसमें, क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी, खाली वही जो है ड्यूटी दे के आए गए, खेले कूदे चले गए। सबसे मेन चीज है तालीम, तालीम नहीं होगी तो बच्चे क्या करेंगे, स्कूल खोल के भी क्या फायदा होगा।
नहीं, अगर गवर्नमेंट को यही इन्फॉर्मेशन चाहिए था तो एक एडिशनल, एक अपना इदारा एडिशनल बनाता, एडिशनल टीम बनाता जो घरों पे जाते जानकारी लेते। लेकिन अब ये पेरेंट्स से ये इन्फॉर्मेशन लेना, तो जैसा कि न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि एल वर्ड का जो टीचर है वो बता रहा है कि हमको एक्सेल पेपर दिया गया है कि इसमें पूरी पूरी जानकारी लो कि जो पेरेंट्स है, जो फैमिली मेंबर्स है, इन्होंने कितना टीका लिया, एक लिए या दो लिए या एक भी नहीं लिए। तो ये एक तरीके से हमारे लिहाज से भी हैरेसमेंट हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो साइड में जा रही है। टीचर्स बच्चों को पढ़ाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। जहां तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमने देखे है कि फुटपाथ पे रहने वाले भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट की म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ाना गवारा नहीं करते हैं और वो इंग्लिश मीडियम की प्राइवेट स्कूल को तलाश करते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ने नया निकाली है, टीचरों को एक नया लोड दे दिए कि आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर करो, तो इससे क्या लगता है सिद्दीकी साहब कि ये पेरेंट्स अपने बच्चों को म्यूनिसिपल स्कूल में भेजेंगे या नाम निकाल देंगे? अब इससे ये तो सहम जाते हैं, डर जाते हैं, कोई हमारी इंक्वायरी नहीं करते, क्योंकि अखबार में जो मैं देखा हूँ कि अभी जानकारी लेने के बाद पुलिस को घर पे भेजेंगे। अब आदमी नहीं, नहीं, नहीं। तो पुलिस को घर पे नहीं भेजेंगे, जो पेरेंट्स है वो ये सोच रहे कि अगर हम इन्फॉर्मेशन दे दिए पुलिस हमारे घर में आएंगी। पुलिस घर पे आके उससे और डर जाते हैं कि भाई बेचारे फुटपाथ पर रहने वाले, उनका ठिकाना नहीं, झोपड़पट्टी झोपड़ा बांध के रहते हैं, आगे चल के इनके लिए दूसरी परेशानी खड़ी हुई है रहने सहने की। तो बच्चों को पढ़ाएं कि ये करें, आप इसलिए परेशानी, ये इसके ऊपर खास तवज्जो दी जाए, ये गवर्नमेंट की तरफ से या कोई प्राइवेट कोई अलग पार्टी वाले इसको जो है गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर गौर करके इसकी इंक्वायरी करे, अगर ये बात सही है तो एक टीम बना के उसकी इंक्वायरी करे, वरना ये फालतू आदमी कोई भी जाके और स्कूल वालों को टीचर्स को हरेसमेंट करे, नया काम दे के पढ़ाई बाजू में टीचर लोग को नया काम मिल जाएगा, वो लोग परेशान हो जाते हैं जिससे। नहीं नहीं, ये जो हो रहा है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही हो रहा है, और अक्सर देखा गया है कि जिसको भी हैरेस करना है, जो भी सिटीजन को हैरेस करना है, तो नाम डाल दो पुलिस। अब होता क्या है, मास्क नहीं पहना तो वो जो उनके है बीएमसी के प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर है, वो पकड़ते सिटीजन को और बोले लाओ 200 रुपया, नहीं दे तो चलो पुलिस स्टेशन, तुम पे केस बनेंगे, एफआईआर होंगे। तो ये सब धतिंग है, कोई एफआईआर नहीं बनता है, कोई केस नहीं बनता है, एक हैरेस करने का मौका है। जो लोग सिटीजन को पकड़ रहे कि आपका मास्क नहीं पहने, मास्क नीचे उतरा है, वो लोग खुद मास्क नहीं पहनते। मैंने कई जगह देखा हूँ, स्पेशली बी वार्ड ऑफिस के अतराफ में मैंने पाईगनी पुलिस स्टेशन के अंदर देखा कि वो टैक्सी से उतरा पैसेंजर, अभी उतर के टैक्सी ड्राइवर को पैसा दे रहा, लपके उसको भाग के लपके कि तेरा मास्क नीचे, ऐसा नीचे आ गया। तो ये क्या हैरेसमेंट हो रहा है? और रही बात अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, आज मुंबई जैसी सिटी में एक हवलदार अपने डंडे से 1300 सिटीजन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये अब ये जो टीचर्स को काम दिया गया है कि पेरेंट्स की या उनके जो सीनियर है उनसे इन्फॉर्मेशन लो कि इनके घर में कितने बच्चे हैं, कितनों ने टीका लिए, कोविड का पहला टीका लिए, दूसरा लिए, नहीं लिए, तो जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिए वो लोग बहुत ही ज्यादा खौफजद है। एल वार्ड ज्यूरिडिक्शन में एक एक्सेल शीट स्कूल को प्रोवाइड की गई थी, मगर मलाड के अंदर 2 एक्सेल शीट प्रोवाइड की गई है। और साउथ मुंबई के जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ये फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्कूल इसीलिए चालू करी कि ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा आप फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है, स्कूल वाले भी सही कह रहे हैं, ये खाली स्कूल के ऊपर लोड डालने के लिए, टीचर को परेशान करने के लिए नई नई चीजें आ रही हैं, जिसमें पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं, टीचर भी परेशान होते हैं। और स्कूल जो हकीकतन खोली गई, अब पढ़ाई तो हो नहीं रही, यही काम खाली हो रहा है। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के सीएम से, स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर से कि ये जो सब जो धतिंग हो रही है, टीचर्स को फोर्स किया जा रहा है कि आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर करो, तो अगर इस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के चक्कर में पेरेंट्स जो है अगर खौफजदा होते हैं और उसके चक्कर में अगर वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं या बच्चा खुद डर जाता है, चौथी पांचवी छठी जो भी क्लास के बच्चे हैं, जो भी नर्सरी के सेकेंडरी के जो भी बच्चे, अगर वो खौफजदा खा जाते हैं कि नहीं अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे भी टीका लेना पड़ेगा, और अगर वो स्कूल जाना बंद करते हैं तो इसका एजुकेशन करियर खराब होगा, इसको जो डिग्री मिलने वाली थी, जो उस बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलने वाला था, वो सब खराब होगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के सीएम से, एजुकेशन मिनिस्टर से कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप अलग तरीके से कीजिए,
आप घर पे भेजिए, आपके ऑफिसर को घर पे भेजिए, मगर ये जो अभी फोर्स किया जा रहा है टीचर्स को कि ये इन्फॉर्मेशन गैदर करो, इससे इमीडिएटली बंद कीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।